कौन कौन है? कौन कौन है? आराम से, आराम से। कौन कौन? रौनक रॉय बिस्तार काटे पानी से यहाँ भर्खर मात्र एकजना बोजू को लाश फेला पाले फिर लिया सकते हेन हो दुईजना में एकजना बोजू को लाश यहाँ जेमरी गोला में लिया सको एकजना ड्राइवर अब लिया बाकी वहाँ रेस्क्यू के निम्ति सबजा तल झरी सकता समाजसेवक अभी प्रशासनिक तर्फब सबजा वहाँ लगी पुरी रह अब के ड्राइवरला लाने यो लाश बोजू को दर्शकबिन आज हाई ये जो घटना भो यहाँ आज इस घटना को निम्ति घटना में वहाँ एकदम गाड़ी तो 500 फिट तल झरे थे भर सुने यहाँ सिविक भाई जो यहाँ लोकल एरिया को हमारा महानुभावर हो लोकल इस एरिया को घाइबेरी सिंगबुली आया जो सहयोगी वहाँ धेरे सहयोग रहा धेरे थाकि बसि हाई दर्शकबिन अभी घटनास्थल में उपस्थित भैस री समक्ष यहाँ मिरिक ट्राफिक ट्राफिक का ओसी सर हो सर आज को घटनाबारे बताइन आज घटना तो अब हठात हमें चाल पाए हई आयो कुदेर आयो कुदेर आँदा जे हो यहाँ को लोकल यहाँ को जो यहाँ को लोकल जति जनसाधारण सबले नै हेल्प गरिदिनु भयो त्यसमा अब म बहुत आभारी छु उनीहरुमाथि जे होस् रात को टाइम में हाई रात को रात भएको टाइम में जे होस् जंगलमाथि भएको यो यस्तो दुर्घटना में जे होस् संपूर्ण यहाँ को लोकल वासीले नै हामीले हाई सहायता गरेर हामीलाई बहुत सुविधा सुजोग गरिदिनु भयो त्यसमा उहाँलाई म हार्दिक कति जना यस्तो क्याजुअल्टीहरु आयो क्याजुअल्टी चाहिँ अहिले हामीले सुन्न आकामा देखि चाहिँ सुन्न चाहिँ अब टोटल इनहरु जम्मा सुन्न आएको में हम तो देख्न सकेन तर छजना थे होइन गाड़ी में सवारी छजना थे छजना में छजना हमें अब हस्पिटल पठाने काम कर अलरेडी चारजना अलरेडी पुगिसकेको छ दुईजना फिर जाना स्पट डेट भाई स्पट डेट नहीं अब हमी तो अब भन्न सकते तर स्पट डेट नहीं हम देखा तर अब डॉक्टर ने डिक्लेयर नगर से हम स्पट डेट भन्न सकते हमी सुन्न में आए शिव मंदिर सिलगढ़ी शिव मंदिर सिलगढ़ी अच्छा गाड़ी कौन चाहिए गाड़ी वेगनर गाड़ी वेगनर सर फर्स्ट में तब यहाँ आने सुने घटना सुनने साथ आईपुग गांववासी अनि यो अब यो माहौल में अब दस को माहौल में दुखद घटना भयो यहाँ बेस गरेर यहाँ को जो पब्लिक पब्लिक अलग आपत्ति के जमा थे यहाँ डम्पिङ एरिया बनाइसके घाइब्री जंगल एकदम वहाँ एकदम आवेश में थी इस बारे में अलग के हेर्नुस् खास में के भनेदेखि हामी पनि यो बाटोमा रात दिन हिन्डुल गरिरहेको छौं तर डम्पिङ एरिया भनेर हामीलाई याद थिएन हुन त सायद यहाँ को लोकललाई कसैले पनि थाहा थिएन तर आज यो दुर्घटना हुँदाखेरि वहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो देख्नु भयो त्यो अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ हुन पनि हो डम्पिङ भएर ठीक है त्यसको लागि हामी अब दुई चार दिन हामी सुधार लान्छौं के गर्नुपर्छ कसो कुन गाडी ल्याउँदा सिलगढीबाट आउँदैछ न मिरिकबाट आउँदैछ त्यो चाहिँ हामी देखेर त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्छौं।